स्टूडेंट्स, एनटीए ने नीट अभ्यास जारी किया है ऐप। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि सर सारे जो वो टेस्ट दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देना। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से वीडियो देखेगा, 3-4 मिनट का वीडियो है, मैं कुछ बात का जवाब दूंगा। पहली बात ये समझ लीजिए कि आप लोग कहीं पर शायद ये समझ रहे हैं कि एनटीए अपनी तरफ से कुंजी दे रहा है और नीट का एग्ज़ाम इसी में से आएगा। ये जो एग्ज़ाम का मौसम है, कोविड की वजह से अब काफ़ी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, इस समय पे एग्जाम होंगे, नीट का एग्जाम 60 दिन दूर है। आप ये समझ लीजिए कि करीब 3 से 4 करोड़ लोग हिंदुस्तान में 17 से 25 की उम्र में, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, बैंक पीओ हो, यूपीएससी वगैरह हो, 3 से 4 करोड़ लोग तैयारी कर रहे होते हैं। सबका एक सपना होता है कहीं से कुंजी मिल जाए, है ना। और जब एनटीए अभ्यास आया है तो लोगों को लग रहा है कि ये जो पेपर हर रोज रिलीज हो रहे हैं शायद इसी में से सवाल आएंगे। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज वगैरह है, इससे थोड़ा अजीब सी चीज हो गई है, तो जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। एनटीए बोल रहा है कि हम लोग हर रोज एक मॉक टेस्ट रिलीज करेंगे, ठीक है, तो 60 दिन बचे हैं, तो आप मान लीजिए 50 से 60 मॉक टेस्ट आएंगे। ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली एनटीए एक थर्ड पार्टी यूज कर रहा है इन पेपर्स को बनाने के लिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पेपर बनाने में जो मेहनत लगती है, यदि एनटीए अपने लोगों से बनवाता तो हर रोज एक पेपर रिलीज करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद हमें लगता है, मैंने यहां पे लिखा है हाउ डू वी नो, शायद हमें लगता है कि वो कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं। और इसका पर्पस, मुझे ऐसा लगता है एनटीए का पर्पस यह है कि जो बच्चे एक टेस्ट सीरीज, एक क्वेश्चन बैंक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास भी साधन हो प्रैक्टिस करने का, क्योंकि वो जानते हैं बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। और यदि आप एक टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने उसको कुंजी समझ लिया है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस नजरिए से बाहर आए। आप लोगों ने उसे कुंजी समझ लिया है कि पेपर इसी में से आएगा, बस ये 50 पेपर लगा लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन पक्का है, है ना। तो आप लोगों ने उसे कुंजी समझ लिया है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज कुंजी मत समझिए। इस वीडियो का पर्पज यह है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था हफ्ते में एक, ज्यादा से ज्यादा 2 मॉक टेस्ट, हर रोज मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं है। यदि आप हर रोज मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट से जो वीक एरियाज निकल के आते हैं उनको आपको फिक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपको एनटीए अभ्यास का भी पेपर देना है, ठीक है, तो हफ्ते में 2 से ज्यादा ना दें, बेमतलब में बदहजमी हो जाएगी, परेशान होंगे, कंटिन्यूसली 200-300 नंबर आते रहेंगे और आप खुद को टाइम नहीं दे रहे होंगे उस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने का। और दूसरी चीज वापस बोल रहा हूं, कोई कुंजी नहीं दी है, मैं आपको 100% बता सकता हूं। जब ये वाला केस है कि शायद वो किसी और से पेपर बना रहे हैं, जो असली पेपर आएगा, यदि आप उनकी ईमेल भी देखें जो आती है, ठीक है, उसमें भी लिखा होता है कि हम पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, जो असली पेपर आएगा, ठीक है, उसका और जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इतना है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एनटीए के या कोई और मॉक टेस्ट, ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पर पेपर क्या आएगा उसका अंदाजा आपको इन जो एनटीए अभ्यास से पेपर मिल रहे हैं इनसे नहीं मिलेगा। इनमें कुंजी मत ढूंढिए, आराम से तैयारी करिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है। नीट की बात करें 60 दिन बचे हुए हैं, बहुत सारी अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, शांति से एग्जाम दीजिए और उसके बाद अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करने में टाइम लगाइए। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि हर रोज एग्जाम मत दीजिए। होपफुली आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या हम एनटीए अभ्यास के हर एक पेपर को लगाएं। मैंने इस वीडियो के अंदर जवाब दिया नहीं, मैं रेकमेंड करता हूं ऐसा ना करें। आप मुझे कमेंट से बताइए कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ नहीं हुआ, और क्या मैंने ये जो सवाल बहुत सारे बच्चे पूछे उसका जवाब दिया या नहीं दिया, ठीक है बच्चों।